हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 8.5। 8.5 में आज हम स्टोरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में कहा है, रशीद ने बेटा मैथ्स की बुक खरीदी कितने रुपए में? इतने रुपए में। उसने बेटा साइंस की बुक भी खरीदी इतने रुपए में। आपसे कहा है उसने कितना पैसा खर्च कर दिया, कैसे निकालोगे? मैथ्स की बुक में हुआ खर्चा और बेटा साइंस की बुक को खरीदने में हुआ खर्चा, दोनों को जोड़ दो, टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ध्यान देना कि इनमें बच्चों पॉइंट लगा है, कैसे सॉल्व करोगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले इसे लिखो 35.75। ठीक है, अब इसे कैसे लिखोगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है, तो बेटा ये पॉइंट है, उसके नीचे पॉइंट लिया। आगे क्या लेना है? 32 और पीछे बेटा 60। अब बच्चों इसे जोड़ दो, 5 में 0 जोड़ोगे 5, 7 में बेटा 6 जोड़ोगे 13, तो बेटा ये 3 हासिल गया 1। मैंने आपसे क्या कहा? पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है, तो बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लिया 1 और 5 बेटा 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 3 में 3 जोड़ोगे 6 रुपीस। बेटा ये आपका क्या है? आंसर है। आपको इस क्वेश्चन में कहा है राधिका की मदर ने बेटा 10.50 रुपए राधिका को दिए। ठीक, फिर कहा बेटा राधिका के फादर ने उसे 15.80 रुपए दिए। दोनों ने कुल कितने पैसे दिए वह हमें निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ के, तो जोड़ देते हैं, कितने हैं? 10 और फिर 50। ठीक है बेटा, आप इसे जोड़ोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है। ये देखिए इसमें पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया। अब आगे 15 और पीछे 80। अब हम इसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जीरो में जीरो जोड़ोगे 0, 5 में 8 जोड़ोगे 13, ये 3 हासिल गया 1। पॉइंट के नीचे बेटा पॉइंट आएगा, 1 में 5 जोड़ोगे 6, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 26 रुपीस 30 पैसे बेटा टोटल अमाउंट है। आपको इस क्वेश्चन में कहा है नसरीन ने बेटा शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का कपड़ा खरीदा। ठीक, और बेटा पैंट के लिए उसने 2 मीटर 5 सेंटीमीटर का कपड़ा खरीदा। तो क्वेश्चन में पूछा है उसने कितना लंबा कपड़ा खरीदा। बेटा हमें क्लॉथ की लेंथ बतानी है, तो हम क्या करेंगे? उसने शर्ट के लिए जो कपड़ा खरीदा है उसमें पैंट के लिए जो कपड़ा खरीदा है वो दोनों की लेंथ हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो बेटा हमें टोटल लेंथ पता चल जाएगी। कैसे करेंगे? ये देखिए मीटर लिखा है, यहाँ मीटर लिखो, सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ सेंटीमीटर लिखो, मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लेना है। 3 मीटर बोला है, मीटर के नीचे बेटा 3, 20 सेंटीमीटर बोला है, तो सेंटीमीटर के नीचे 20। ठीक है, 2 मीटर बोला है, तो बेटा मीटर के नीचे 2, 5 सेंटीमीटर बोला है, तो बेटा सेंटीमीटर के नीचे 5 लेना है। अब इन्हें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो 20 में 5 जोड़ोगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेटा 3 में 2 जोड़ोगे 5 मीटर। आंसर क्या हुआ?
5 मीटर 25 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन में कहा है नरेश बेटा मॉर्निंग में सुबह बेटा 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और बेटा इवनिंग में शाम को बेटा वह 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो हमें बताना है। कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के। जोड़ेंगे कैसे बेटा? इधर देखिए किलोमीटर है तो बच्चों किलोमीटर ये लिखा, इधर मीटर है मीटर लिखा, ठीक। किलोमीटर कितना है? 2, तो बेटा किलोमीटर के नीचे 2। मीटर कितना है बेटा? 35, तो इस मीटर के नीचे 35, ठीक है। अब इधर देखो कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर, तो बेटा किलोमीटर के नीचे 1 और 7 मीटर बोला है मीटर के नीचे 7। अब क्या करेंगे बेटा? इन्हें जोड़ेंगे, ठीक है। 5 में 7 जोड़ोगे 12, ये बेटा 2, हासिल गया 1। 1 में 3 जोड़ोगे 4, ये किस में आया बेटा? मीटर में, ठीक। 2 में 1 जोड़ोगे 3, ये किस में आया? किलोमीटर में। आपका आंसर 3 किलोमीटर 42 मीटर है। आपको इस क्वेश्चन में कहा है सुनीता अपने घर से स्कूल की ओर चली। किस तरह से बेटा? सबसे पहले वह बस से चली, कितना? 15 किलोमीटर 268 मीटर, ठीक है। फिर बेटा वह कार से चली, कितना? 7 किलोमीटर 7 मीटर। उसके बाद बेटा वह पैदल चली, कितना? 500 मीटर। आपसे पूछा है घर से स्कूल तक वह बेटा कितना डिस्टेंस चली वह बताना है, टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, यहाँ बेटा किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर लिखा, इधर बेटा मीटर है, इधर मीटर लिखा, ठीक है। अब किलोमीटर के नीचे बेटा किलोमीटर लेंगे, ये 15 किलोमीटर है, यहाँ लिख दो, यहाँ मीटर है, ये लिख दो 268 मीटर, ठीक। अब बेटा ये 7 किलोमीटर है, किलोमीटर के नीचे लिखा 7 मीटर, तो बेटा मीटर के नीचे 7 लिखा, ठीक। अब बेटा ये 500 मीटर है, तो मीटर के नीचे 500 लिख दो, ठीक है। अब हम इसे जोड़ेंगे। बच्चों कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, जहां आपको नंबर नहीं दिखे बेटा वहां 0 लगा लो, ठीक है। इससे बच्चों कंफ्यूजन नहीं होगा, कैलकुलेशन सही होगा। अब हम इसे जोड़ेंगे, 8 में 7 जोड़ोगे 15, ये 5, हासिल गया 1। 6 और 1 बेटा 7, 2 और 5 बेटा 7, ये किस में आया बेटा? मीटर में, ठीक। 5 में 7 जोड़ोगे 12, ये 2, हासिल गया 1। 1 में 1 जोड़ोगे 2, ये किस में है बेटा? किलोमीटर में। इतना डिस्टेंस उसने बेटा कवर करा। आपको इस क्वेश्चन में कहा है रवि ने बेटा चावल खरीदे, उसका वेट आपको ये दे रखा है, ठीक है। उसने बेटा शुगर खरीदी, शक्कर खरीदी, उसका वेट बेटा ये दे रखा है, और फिर बेटा उसने आटा खरीदा, उसका वेट बेटा ये दे रखा है। आपसे कहा है पूरे सामान का कितना वेट हुआ, टोटल वेट हमें निकालना है, कुल भार निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ केजी है, किलोग्राम है, तो यहाँ क्या लिखोगे? किलोग्राम। और इधर क्या है बेटा? ग्राम, तो यहाँ ग्राम लिखेंगे। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे ग्राम लिखेंगे। 5 किलोग्राम बोला है, यहाँ 5 आएगा। 400 ग्राम, तो बेटा ग्राम के नीचे 400, ठीक। 2 केजी, तो बेटा किलोग्राम के नीचे 2, और 20 ग्राम, तो 20 कहाँ आएगा? ग्राम के नीचे, ठीक। 10 केजी, तो
तो बेटा किलोग्राम के नीचे 10 और 850 ग्राम, तो बेटा ग्राम के नीचे ग्राम। अब इसे हमें जोड़ना है। बेटा जोड़ने में कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए जहां नंबर नहीं है वहां जीरो लगा लो। कैसे? जैसे यहाँ नंबर नहीं है जीरो लगा लो, यहाँ ऊपर भी नंबर नहीं है जीरो लगा लो और यहाँ भी जीरो। अब हम जोड़ेंगे, इनको जोड़ोगे बेटा जीरो आएगा, 2 में 5 जोड़ोगे 7, 4 में 8 जोड़ोगे 12, ये 2 हासिल गया 1। 1 और 5 और 2 जोड़ोगे कितने हुए 8, तो बेटा ये 8 और ये आपका हो गया 1। सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा, 18 kg 270 ग्राम। ये बेटा टोटल वेट है, कुल भार है।